सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एनीवेज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई साहिल। तो भाई आज अपन करने वाले हैं एक न्यू क्लासिक 350 रीबॉर्न, जो बहुत न्यू लॉन्च हुई है 2021। तो बस उस चीज़ की लॉन्चिंग में आए हैं हम, पहुँचे हैं जी बछामदी मोटर्स, क्योंकि हमसे रहा नहीं जा रहा था इस बीस्ट को देखे के बिना। और आज मैं आपके साथ इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, टेक्नीशियन सब शेयर करने वाला हूँ कि इस न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ओल्ड में थे, क्या नए में चेंजेस हुए हैं, और क्या क्या कलर्स आए हैं, सारी स्पेसिफिकेशन, टेक्नीशियन, क्या खूबियाँ हैं, क्या गलत चीज़ दी है इसमें, वो सब चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा करते हैं वेट, क्योंकि लॉन्चिंग का टाइम अभी होने वाला है। तो जल्दी से मिलते हैं आपको क्लासिक 350 के साथ। लॉन्ग हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, खास करके जो क्लासिक 2021 के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो लेने वाले हैं, जो न्यू बायर बनने वाले हैं। तो प्लीज़ वो खास करके इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरी देखना। सो फाइनली अभी अपन आ चुके हैं भाई क्लासिक 2021 BS6 क्लासिक रीबॉर्न, ये अपन उसके साथ आ चुके हैं। बाइक सीरियसली बहुत अमेजिंग लग रही है, बैठ के जो फील आ रहा है ना, खास करके ये टॉप वेरिएंट है। टोटल इसके 5 वेरिएंट हैं, 11 कलर्स हैं। तो मैं आज आपके साथ सब शेयर करने वाला हूँ, टेक्निकली, स्पेसिफिकेशन, एवरीथिंग। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ है, आप कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन, टेक्नीशियन आप कुछ ना कुछ स्किप कर देंगे। तो लास्ट में वीडियो तक बने रहना। बाकी आओ कुछ बताता हूँ मैं आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, खास करके जो नई वाली भाई ये बनाई है ना, ये बहुत सच में अमेजिंग ब्यूटी बनाई है। तो आओ अब आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अपन क्लस्टर में जी ये पूरा क्लस्टर चेंज कर दिया गया है। आपको डिजिटल मिल जाएगा, किलोमीटर्स, ऑडियो एंड ट्रिप का मिल जाएगा, फ्यूल रिजर्व का मिल जाएगा, सारा कुछ। और ये आप देख रहे होंगे रॉयल एनफील्ड की टैगिंग दी गई है, रॉयल एनफील्ड की टैगिंग इधर दे दी गई है। यहाँ पर ना आप अपना अलग से GMA में एक नेविगेशन मीटर, जो आजकल देख रहे हो आप मेटियोर में, नई वाली हिमालयन में, साथ में जो नेविगेशन का मीटर आ रहा है वो आप इसमें अलग से एसेसरीज़ में ऐड करवा सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है इन्होंने, मतलब जगह दे दी है, बट मैं तो चाहता हूँ कि इनको देना चाहिए था। ये मेरे को एक बहुत माइनस पॉइंट लगा क्लासिक का, बट स्टिल ये इनको देना चाहिए था, खास करके टॉप वेरिएंट में। बट कोई बात नहीं, इन्होंने जगह दे दी है, तो आप इसमें खुद से अलग से थोड़ा सा पैसा खर्च करके नेविगेशन मीटर लगवा सकते हो। तो भाई लाइट बहुत सेक्सी कर दी है, इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा सेक्सी कर दिए हैं। लाइट के अंदर जो मेन लैंप है उसके अंदर जो रॉयल एनफील्ड की टैगिंग दी है, डेट वॉज अमेजिंग। इंडिकेटर्स बहुत प्यारे दिए हैं, हैंडल भी चेंज कर दिया है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। कमेंट करके बताना कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है। भाई बात करते हैं जी अब कंसोल की। कंसोल में काफ़ी चेंजेस किए हैं, मीटर पे कुछ मार्कर्स लगे हुए हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना, बिकॉज कंपनी वालों को यार इतनी सारी कीज़ हो जाती है जो डिस्टर्ब होता है एक एक कीज़ देखने में। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को छोड़ो। अब आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़, सबसे बड़ी बात यार कीज़ ही चेंज कर दी, तो सोचो बाइक कितनी चेंज कर दी होगी। कीज़ भी काफ़ी बहुत मतलब अलग ही लुक दे रही है यार, कीज़ भी मतलब डिफरेंट है यार, बहुत अच्छा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कंसोल में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या लुक्स है, कैसे हैं। कंसोल को स्टार्ट करने की बारी है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे मिल जाएगा डिजिटल में, आपको
ट्रिप का मीटर मिल जाएगा, फ्यूल का मिल जाएगा, एंड आप कहाँ कैसे राइड कर रहे हो, लाइक यू आर ऑन इको मोड, रेन मोड एंड व्हाटएवर, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से शो हो जाएगा। ये आ गया जी आपका ऑडियो मीटर, एंड डेट वॉज अ डिजिटल मीटर। इसमें आपको मिल जाएगा जी बैटरी इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर एंड इग्निशन इंडिकेटर एंड पेट्रोल इंडिकेटर जी। जब रिजर्व में आएगी तो आपका पेट्रोल इंडिकेशन भी दिया है इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टॉप स्पीड दिया है जी, इसमें दिया 160 और रॉयल एनफील्ड तो भाई 120 तक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है, देन उसके बाद थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन रॉयल एनफील्ड का बनता है। भाई लोगों अब बात की जाए तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर दी है। मॉड दिए हैं ये भाई मेटियोर वाले हैं, चेंज कर दिया है। और यहाँ आपको मिल जाएगा जी हज़ार्ड लाइट का बटन। इधर में अगर आप देखेंगे तो भाई पास, हाई बीम, लो बीम एंड डेट वॉज इंडिकेटर। और ये आपको चीज़ दिखनी होगी नई है तो इसका भी बिल्कुल बता देते हैं आपको। और ये आ जाते हैं जी हॉर्न का। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ बाइक की, स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, इसकी आवाज़ जो है वो बहुत सही कर दी है, अमेजिंग जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है। इतने आगे स्टार्ट करके बोल रहे हैं कि पुराना वाला फील आएगा। तो 1 2 3 भाई आवाज़ में तो सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। होप करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी, मतलब मेरे हिसाब से तो आ ही रही होगी, बट स्टिल आवाज़ बहुत सही कर दी है। ये आता है जी अपना हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर, लेफ्ट, राइट, ऑन एंड डेट वॉज द, ये आपको बटन दिख रहा होगा जी बहुत अलग है, तो इसका मैं मत बता देता हूँ। पुश बटन दिया है किस चीज़ का है, तो लोग इसमें भी आपको दिख रहा है टाइम और दिख रहा है फ्यूल मीटर। जी हाँ, अब अपन देखो इस बटन से करने वाले हैं चेंज जी। यहाँ आ चुका है ऑडियो मीटर, देन आफ्टर ट्रिप ए, ट्रिप टू, ट्रिप एफ। ट्रिप एफ का मतलब होता है जी रिजर्व में आपकी बाइक लग चुकी है। और भाई यहाँ पर बहुत अमेजिंग फील आ रहा है, बाइक की जो आवाज़ है वो बहुत अमेजिंग है। लोग भाई फुली बाइक को है ना रिफ्रेश कर चुके हैं, मतलब कंपनी वालों ने बहुत अमेजिंग चीज़ बनाई है, दैट वॉज परफेक्ट। और एक खास करके क्रूज़र राइडर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है। अपन अब बात करने वाले कलर एंड वेरिएंट्स की। ये है जो आप मेरे सामने देख रहे हो, जिसके ऊपर मैं पूरा रिव्यू कर रहा हूँ जी, ये है टॉप मॉडल। इसकी बात की जाए तो भाई इनमें आते हैं टोटल 5 वेरिएंट्स जो अपने पास अभी यहाँ हैं, जो 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और 7 कलर्स अवेलेबल हैं जो अभी कंपनी ने न्यूली लॉन्च की हैं। तो एक आपका वेरिएंट है जिसको मैं नहीं शो कर पाऊंगा, जो सबसे मिनिमम है, और ये जो आपके सामने दिख रहा है जी ये आता है सबसे मैक्सिमम में। अब बात करते हैं वेरिएंट कौन सा है जी। इस वेरिएंट को बोलते हैं क्रोम कलर। इस जो कलर का नाम है वो है क्रोम रेड, और इसके अंदर आता है क्रोम ब्रॉन्ज कलर। अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट आप जाके चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। अपने वेरिएंट्स दिख रहे हैं जी, ये है हेल्सी ऑन वेरिएंट, और इस कलर का नाम है हेल्सी ऑन ग्रीन कलर। ये भी बहुत अच्छी है जी। ये डबल सीट में आपको वेरिएंट मिल जाएगा, सिर्फ जो टॉप वेरिएंट है वो आपको सिंगल सीट में मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अब अपन बात करते हैं जी सेकेंड कलर की। ये आता है जी हेल्सियन में ही है, और इस कलर को कहते हैं हेल्सियन ब्लैक कलर। बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे जी। ये कलर है सिग्नल्स, इस वेरिएंट्स को कहते हैं सिग्नल्स। ये दो कलर हैं भाई, नए कलर हैं, ये बहुत अमेजिंग। मुझे सबसे बेस्ट कलर ये वाला लगा है, बहुत अमेजिंग कलर था। और इस कलर का नाम है जी मार्शल ग्रे कलर, एंड डेट वॉज डेजर्ट सैंड, जो बहुत पुराना पहले से चला आ रहा है। वेरिएंट है जिसको भाई इस वेरिएंट का नाम दिया है डार्क, और ये कलर है स्टेल्थ ब्लैक कलर में, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और ये कलर पहले से ही चला आ रहा है। और एक और कलर आता है जी डार्क में, जिसका नाम है गन मेटल, काफ़ी चला आ रहा है। वो पहले कलर था और अभी भी है, बट अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, आई मीन था बट वो हमारे सामने डिलीवर्ड हो गया जी। इंजन की तो आओ मैं आपको इंजन के बारे में कुछ दिखा देता हूँ, क्या क्या चेंजेस करें वो भी बता देता हूँ। तो अभी जो इसमें चेंजेस किए हैं भाई, पहले वाला 350 का इंजन वो अलग था, ये अलग है। लाइक इंजन डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, BHP डेट वॉज द सेम। 340 cc इंजन है, 20 BHP की पावर है, 6100 का टॉर्क है, डेट वॉज परफेक्ट फॉर 350 cc इंजन। अभी जो इसमें इंजन है वो कर दिया भाई मेटियोर वाला, सिंगल सिलेंडर ये बाइक है। और जो इसकी आवाज़ है ना वो बहुत प्यारी कर दी है, जो पहले वाली बुलेट आती थी ओल्ड मॉडल 1982, उस जैसी थोड़ा थोड़ा फील आने लगा है। बीच में जो क्लासिक आई थी उसका थोड़ा डाउन हुआ था आवाज़ में, बट इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। इंजन में ही देख लो क्या चेंजेस कर दिए, कितना प्यारा लुक दे दिया यार इंजन का, फुल मेटालिक इसमें दे दिया है।
मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्रोम कलर की जो फिनिशिंग दी है इसकी वो बहुत प्यारी है। ये मेटियोर वाला इंजन इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। साथ में आपने ओल्ड क्लासिक में देखा हो तो एयर फिल्टर और बैटरी के बीच में गैप हुआ करता था, अब वो गैप को बिल्कुल कवर कर दिया है। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, पहले यहाँ से ना कुछ वायर्स दिखते थे बैटरी से जो आते थे, बट इस वाली में बिल्कुल भी वायर वगैरह बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बहुत अमेजिंग मशीन बनाई है। कभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर पक्के से बताऊंगा, बट आज क्या है ना बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो अपन टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते। अब अपन बात करते हैं पीछे की, तो पीछे में भाई इधर में आती थी डिस्क ब्रेक, उस राइट साइड में आता था इसका चाइनीज पॉकेट, बट अब इसको एज अ नॉर्मल में कर दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आ गया अपना चाइनीज पॉकेट एंड जिसकी डिस्क ब्रेक है वो राइट साइड में कर दी गई। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और डिस्क ब्रेक का साइज बड़ा भी हुआ है अब फ्रंट एंड रियर दोनों का। एग्जॉस्ट बिल्कुल चेंज है, एग्जॉस्ट बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगी, अभी आपको बताऊंगा सारा कुछ। अब बात करते हैं जी इसकी पीछे की टेल लाइट की। टेल लाइट भी एग्जैक्टली बिल्कुल मैट्योर की तरह दिया है। इंडिकेटर्स जो हैं वो क्रोम में कवर है, लाइट भी है जो क्रोम में कवर है। अगर बात की जाए तो भाई फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक जो है वो बढ़ा दिया गया है, 300 mm की प्लेट है, बाइबर्स के ब्रेक दिए गए हैं। रियर में भी भाई बाइबर्स के ब्रेक दिए हैं और जो रियर प्लेट है ये भी काफ़ी बड़ी कर दी है, 270 mm की, डेट वॉज परफेक्ट। टायर साइज़ जो है भाई पीछे का है 120/80R18। जी हाँ, पहले से टायर थोड़ा कम कर दिया है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अब बात करते हैं भाई फ्रंट व्हील के बात की करी की जाए तो फ्रंट व्हील में जी कर दिया है 190/19। इसका पीछे से एक टायर साइज़ बड़ा रखा है, विड्थ में, तो इससे बैलेंस और जो आपका वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा इस नई वाली क्लासिक 350/20/21 में। रियर ब्रेक आता था वो पाइप के इधर से होता हुआ नीचे की तरफ जाता था, जो क्या करता था टर्न लेते वक्त, खास करके आप राइट एंड पे स्लाइड कर रहे हो, राइट टर्न कर रहे हो, आज जैसे ही ब्रेक यूज़ करते थे तो नीचे से वो टच होता था, तो उसमें स्लिप होने का डर ज़्यादा रहता था। और इस वाली क्लासिक में ये चीज़ बहुत ठीक कर दी है, मानना पड़ेगा रॉयल इनफील्ड्स को, काफ़ी चेंजेस किए हैं नो डाउट। एग्जॉस्ट नोट पे आप जाएं तो ये काफ़ी अच्छा कर दिया है, लुक्स वगैरह बहुत चेंजेस हैं, बहुत अमेजिंग फील दे रहा है भाई। और बात करें अब इसके फुट रेस्ट की, तो फुट रेस्ट पे आप देख सकते हो, इसके फुट रेस्ट पे भी देखो तो भाई फुट रेस्ट पे भी ब्रांडिंग कर दी गई है, टैगिंग कर दी गई है रॉयल एनफील्ड की, डेट वॉज परफेक्ट भाई। इसमें आते हैं सिंगल चैनल ABS एंड वन ऑफ द ड्यूअल चैनल ABS, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सिंगल लेना पसंद करेंगे या ड्यूअल। मैं सजेस्ट करूंगा भाई ड्यूअल बिकॉज ऑफ सेफ्टी, आप लोगों के हाथ में है। राइडिंग गियर्स के आप साथ में पहन के चला करो, बहुत साथ देते हैं राइडिंग गियर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ साथ नहीं देता, बट देखो जो ऊपर से लिखा है वो तो होना ही है, बट आप अपनी तरफ से फुल सेफ्टी रख के चल सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ड्यूअल चैनल ABS। तो इसकी अब प्राइस की बात करी जाए तो भाई प्राइस स्टार्ट होती है इसकी 225 से लेके 260,000 तक। जी हाँ, 225,000 से लेके 260,000 तक आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। जो सबसे लोएस्ट मॉडल है जी वो है रेडिच, एंड द वन ऑफ द टॉप जो मॉडल है इनका जो वेरियंट है वो है क्रोम, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस कलर किस वेरिएंट में जाना चाहेंगे। वेरिएंट्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस कुछ कलर्स का चेंजेस है, कुछ सिंगल सीट का छोटा मोटा चेंजेस दिए गए हैं, बट सीरियसली आपको बहुत अमेजिंग लगने वाली है ये बाइक, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है, तो होप करता हूँ भाई आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आपको ये क्लासिक 2021, मेरे को बताना ज़रूर कॉमेंट करके कि भाई लोगों कैसी लगी आपको ये क्लासिक 2021, और आपको दी गई इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पता है ना आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। सो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितने भी भाई लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार। और अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे को पक्के से बताना, और क्लासिक 2021 कैसी लगी ये ज़रूर बताना, भूलना मत भाई लोगों। जब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।